फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन से। संविधान के भाग को तो रखा गया है और आर्टिकल पास किया है। ठीक है, अगर हम सिटीजन से पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना है कि अधिकार नागरिक क्या है। नागरिक नागरिकता हम पढ़ रहे हैं, तो नागरिकता पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जा रही है, वो व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाएगा। तो अधिकार नागरिक है क्या, है ना? नागरिक कौन से क्या समझेंगे, इसको लिखने जा रहा है लेकिन किसी देश की सीमाओं के भीतर, किसी देश की सीमाओं के भीतर उसके द्वारा बनाए गए कानून, किसी देश की सीमाओं के भीतर उसके द्वारा बनाए गए कानून, उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत, किसी देश की सीमाओं के भीतर उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को किसी देश की सीमाओं के भीतर देश के कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, अर्थात नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। नागरिकता दी जाती है अर्थात नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसे व्यक्ति के अधिकार देश की सीमाओं के भीतर, ऐसे व्यक्ति के अधिकार देश की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले, ऐसे व्यक्ति के अधिकार देश की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों की तुलना में, देश की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं, व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं। जैसे देखो, अब दो तरीके के लोग, एक तो हमारे देश हमारा भारत है, तो भारत में दो तरीके के लोग, एक तो नागरिक है जो भारत के ही नागरिक हैं, और दूसरे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो भारत के नागरिक नहीं है, ये भारत में रह रहे हैं, थोड़ा सा भारत की सीमाओं के भीतर केवल नागरिक रह रहा है। नागरिक वो है जिनको भारत के कानून के द्वारा, भारत के सरकार ने जो कानून बनाया उसके अंतर्गत जिनको मान्यता दी गई है, एज अ सिटीजन वो भी रह रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी रह रहे हैं जो कि वीजा वगैरह लेकर के दूसरे मित्र देशों के लोग हैं, वो हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमारे जो नेपाल का आदमी है, तो ना नेपाल के आदमी के पास भारत की नागरिकता और ना उसने वीजा लिया है, फिर भी भारत में रह रहा है ना। अमेरिका का व्यक्ति है तो उसने भारत में वीजा लेके रह रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो नागरिक नहीं है, लेकिन उनके जो अधिकार है वो नागरिकों के अधिकार से कम होंगे, है ना। यानी जिसको हमारे देश में मान्यता दी है एज अ सिटीजन, उसके अधिकार अन्य व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा होंगे, वही लिखा हुआ है। जैसे जैसे भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति, जैसे भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग, जैसे भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। ये तो हो गया नागरिक, अब दूसरा लिखे गैर नागरिक। गैर नागरिक क्या हो गए, गैर नागरिक
किसी देश की सीमाओं के भीतर, किसी देश की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले, किसी देश की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति, किसी देश की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण करते हो, किसी देश की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण करते हो तथा जिसे देश के कानून के द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता न दी गई, जिसे देश के कानून के द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता न दी गई, ठीक है। अब एक आपने वर्ड सुना होगा इंडियन डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा, ये क्या है? डायस्पोरा क्या है? डायस्पोरा का शाब्दिक अर्थ होता है बिखराव। डायस्पोरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिखराव। यानी कि इंडियंस जो पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? इंडियन डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा। अरे देश का नागरिक तो किसी भी देश में से, तुवालु चले जाओ, तुवालु वहां मिल जाएगा भारतीय, क्योंकि मैप पे इसको ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, तुवालु है का वहां जाओ, वहां भी हो सकता है आपको भारतीय मिल जाए, है ना। जितने बड़े देश हैं वहां तो भारतीय मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, लेकिन छोटे से छोटे देश में इधर भारतीय मिल जाएगा जी सर, ना। तो ये सब क्या है? जो भारत की सीमाओं के बाहर रह रहे हैं भारतीय नागरिक, लेकिन भारत की सीमाओं के बाहर रह रहे हैं वो सब कहलाएंगे भारतीय डायस्पोरा। और भारतीय डायस्पोरा में तीन तरीके के भारतीय रहेंगे, भारतीय डायस्पोरा में तीन तरीके के भारतीय आएंगे। पहला होगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंसी, ठीक है, एनआरआई। दूसरा होगा भारतीय मूल के व्यक्ति, एक तो एनआरआई हो गया, दूसरा भारतीय मूल के व्यक्ति, और तीसरा होगा समुद्र पारी, एनआरआई भारतीय मूल के व्यक्ति और समुद्र पारी, ठीक है। अब समुद्र पारी क्या होता है? अप्रवासी भारतीय, एनआरआई अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय एनआरआई, देखिए, ऐसा व्यक्ति जो भारत का पासपोर्ट धारण करता हो, समुद्र पारी भारतीय नागरिक, समुद्र पारी भारतीय नागरिक या भारतीय व्यक्ति, समुद्र पारी भारतीय व्यक्ति है ना, भारतीय एनआरआई, ऐसे ऐसा व्यक्ति जो भारत का पासपोर्ट धारण करता हो और कम से कम किसी वित्तीय वर्ष में, और कम से कम किसी वित्तीय वर्ष में 182 दिनों तक, और कम से कम किसी वित्तीय वर्ष में 182 दिनों तक शिक्षा, व्यवसाय और आजीविका के उद्देश्य, शिक्षा, व्यवसाय और आजीविका के उद्देश्य से भारत के बाहर निवास करे, भारत के बाहर निवास करे, ठीक है। तो एनआरआई कौन होगा? जो वो तो भारतीय
व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक मतलब नागरिकता का प्रूफ क्या होता है, पासपोर्ट भारतीय है, अमेरिकन सिटीजन है तो आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट होगा, वही आप भारत में अगर पासपोर्ट प्रिंट करवा लेंगे तो आपको वही दिखाएंगे आप ये देखो अमेरिका का नागरिक हो, तो मेरे पास अमेरिका का पासपोर्ट है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखा पाए तो मैं क्या माना जाएगा कि तुम पाकिस्तान से घुस के आए हो। तो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी कि भाई मैं अमेरिका का नागरिक हूँ तो आपको अमेरिका का पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्यों, बोलो वहां सरकार ने आपको पासपोर्ट दिया है कि हाँ ये व्यक्ति हमारा नागरिक है, ठीक है। तो अब अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिनों तक 182 दिन या उससे अधिक किसी भारत की सीमाओं के बाहर किसी अन्य देश में प्रवास करता है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, या आजीविका के लिए जॉब कर रहा हो, किसी के लिए भी, तो वो कहलाएगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब यानी कि भारत छोड़ कर चला गया लेकिन कम से कम 182 दिन भारत के बाहर रह रहा हो, एनआरआई कहलाएगा, ठीक। अब दूसरा था भारतीय मूल के व्यक्ति, ज्यादा दिनों तक क्या कैसे कौन बोला, आवाज आ रही है आसपास, क्या कर रही हो, एक तो एक से ज्यादा दिनों तक कुछ कर रही हो क्या सर, आया कि इससे ज्यादा दिनों तक रहे तो मलाइका बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम 182 दिनों तक। अब मैं ये भी कहूँ कि कम से कम 182 दिनों तक, लेकिन 182 दिन से ज्यादा भी हो तो मतलब क्या हुआ, कम से कम 182 दिनों तक भारत के बाहर रहे, यानी कि अधिकतम कितने भी समय तक बाहर रहे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 182 दिन तो कम से कम बाहर भारत के रहना ही चाहिए। अब ज्यादा चाहे वो 300 दिन रह ले, 400 दिन रह ले, 4 साल रह ले, 10 साल रह ले, वो अलग मैटर है, लेकिन 182 दिन तो कम से कम भारत के बाहर रहेगी तभी वो कहलाएगा अप्रवासी भारतीय। ऐसा नहीं कि वो 10 दिन के लिए अमेरिका चला गया और लौट के आया अपने शहर में तो लोग उसको कहने लगे देखो एनआरआई आया है, नहीं बात है ना, सब तो उस तरह तो सब लोग एनआरआई टहल रहे होंगे, पूरा पंजाब एनआरआई बन चुका होगा, तो जैसे वो तो कनाडा तो जो है उनको लड़का पैदा होगा तो पहले वो सोच लेता है पैदा होते ही कि मैं कनाडा जाऊंगा और पूरी अपनी जिंदगी और संघर्ष करता रहता है पासपोर्ट के लिए है ना, वीजा के लिए, और जिधर वीजा लग जाता है कनाडा का तो पूरा मोहल्ले में मिठाई बांटी है कनाडा का वीजा मिलेगा, तो पंजाबी और कनाडी मतलब एक मानते हैं तो कि सेकंड सिचुएशन है कनाडा में सिख ना पंजाबी, वहाँ की अब पार्लियामेंट ने तो लैंग्वेज भी एक्सेप्ट कर ली है ना, पार्लियामेंट में लैंग्वेज ऑथराइज हो गई पंजाबी, क्योंकि इतना ज्यादा पंजाबी है वहाँ पे कनाडा में, पूरी इकोनॉमी कनाडा की मोस्टली इकोनॉमी में सुंदर हो गए, तो वहाँ तो पार्लियामेंट की लैंग्वेज ऑथराइज लैंग्वेज हो गई है ना। अब आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, तो ये क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसकी चार पीढ़ी में से कोई एक, चार पीढ़ी में से कोई एक, चार पीढ़ी मतलब तुम्हारे मम्मी या पापा में से कोई एक, या तुम्हारे मम्मी पापा के मम्मी पापा से में से कोई एक, या उनके मम्मी पापा में से कोई एक है ना, ये चार पीढ़ी तक मतलब वो थोड़ा और ज्यादा तुम्हारे बच्चे के लिए मान लेते उसके मम्मी पापा तुम, फिर तुम्हारे मम्मी पापा, और फिर तुम्हारे मम्मी पापा के मम्मी पापा, चार पीढ़ी हो गई ना बेटे के लिए। तो अब चार पीढ़ी में से कोई एक यदि भारत का नागरिक रहा हो और अब तुम्हारे बेटे ने क्या कर लिया हो, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, सीधी सी बात है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करेगा तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारा बेटा क्या कहलाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति, समझ गए, अब वो एनआरआई ना कहलाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी चार पीढ़ियों में से तो कोई एक था भारत का नागरिक इसीलिए, और लेकिन अब वो प्रेजेंट टाइम में उसने क्या कर रखा है, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, तो इसलिए वो कह रहा है भारतीय मूल का व्यक्ति, ना तो वो भारत का नागरिक है और ना एनआरआई है, सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो है भारतीय मूल के, क्योंकि उनकी चार पीढ़ियों में से कोई एक भारतीय नागरिक, कल्पना चावला भारतीय मूल की नागरिक कहलाती है, भारतीय नागरिक हो, भारतीय मूल की नागरिक,
भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि उनके चार पुढ़ियों में से कोई एक था माँ या पिता में से कोई एक। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, भारतीय नागरिकता खत्म हो गई है, इसलिए उनको कहा जाता है भारतीय मूल का व्यक्ति। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं को इमोशनली जो है इमोशनली इनको क्या करती है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे पुरुषों का बीच है, देखो जो कभी अपने गांव गए हो, जो तुम्हारे दादा परदादा पैदा हुए थे, देखो उस गांव की कंडीशन कितनी बुरी है, वहाँ शिक्षा भी नहीं है, पता है क्योंकि गाँव में पढ़ा कोई जाए तो फिर उसको पहले तो बुलाया जाएगा। यही करते हैं देखो, ये जो अप्रवासी भारतीय दिवस जो बुलाया गया है ना, उसमें क्या किया था, ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया था जो बड़े भविष्य वाले विदेशों में, उनको आमंत्रित किया जाएगा, आमंत्रित करके बढ़िया उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और फिर बढ़िया एक बेहतरीन मोटिवेशनल भाषा दिया जाएगा, और फिर उनको गाड़ी बढ़िया परीक्षा के उनके गांव लेके जाया जाएगा कि देखो यहाँ तुम्हारे पुरखे ही सेवा विघ्न हुआ, और जब देखेगा अपने गांव की कंडीशन तो पीछे कहा जाएगा ऐसा कि आप इस गाँव को दे। ठीक है, अब आपने गाँव को दे लिया तो फिर गाँव में शिक्षा का प्रबंध करो, मोदी जी को जहाँ के गाँव दिखाया जाएगा देश की धरती और ये सब जो इमोशनली हो जाएगा उतना जो दिखा के जाएगा, तो बहुत ज्यादा फंड हमारा आ रहा है 2014-15 से, इसलिए अप्रवासी दिवस गुजरा जाएगा, बहुत तगड़ा फंड आ रहा है किनके द्वारा, भारतीय मूल के नागरिकों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है जी, ऐसा व्यक्ति जिसकी चार पीढ़ी में से, ऐसा व्यक्ति जिसकी चार पीढ़ियों में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, चार पीढ़ियों में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, किंतु किंतु वर्तमान में उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, परंतु वर्तमान में उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ऐसे व्यक्तियों को वर्तमान में उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ऐसे नागरिकों को भारत सरकार PIO कार्ड जारी करती है। PIO कार्ड, ऐसे नागरिकों को भारत सरकार PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे नागरिकों को भारत सरकार PIO कार्ड जारी करती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हो गया भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है, क्या हो गया भारतीय मूल का व्यक्ति, इसको PIO कार्ड जारी किया जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये PIO कार्ड है ना, इसकी एडवांटेजेस है, यानी ये व्यक्ति जब भी भारत आना चाहे इसको तुरंत वीजा मिल जाएगा, पता चले कि किसी का एक झटके अपने गाँव में प्रति है ना, अचानक से उसको एक संदूक मिल गया कोई बढ़िया, उसको मन कर रहा है अपने गाँव जाने का, उसको वीजा नहीं मिल पा रहा, तो अब उसको प्रॉपर तत्काल वीजा मिलेगा, पूरी सुविधाएं मिलेगी भारत में। ठीक है, बिल्कुल उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो ये आप आइए, समुद्र पारी है भारतीय व्यक्ति, समुद्र पारी है भारतीय व्यक्ति, अब ये कौन होते हैं समुद्र पारी भारतीय व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ठीक है, वो कहेंगे समुद्र पारी भारतीय व्यक्ति, और इनको भारत सरकार ओवरसीज OCI कार्ड जारी करती है। ठीक है, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, ये PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो है ओवरसीज, यानी समुद्र पारी, ओवरसीज मतलब समुद्र पारी, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जारी करती है। ऐसा व्यक्ति जिसने 26 जनवरी 1950 के बाद, ऐसा व्यक्ति जिसने 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत की नागरिकता छोड़कर
भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, कर ली हो, ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार, ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार OCI कार्ड जारी करती है, ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जारी करती है। ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार OCI कार्ड, ओवरसीज OVERSEAS ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जारी करती है। पैराग्राफ चेंज करो, देखिए 2016 में भारत सरकार ने, 2016 में भारत सरकार ने, जाना होता है दे दिया जाता है और बस साइन कर दिया जाता है, कहीं करवा दे तो बस बदल लगा दी, 4 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का हमने छोड़ दे तो कागजात सबमिट करने तो पूरा जो है पूरा दिन लग गया है। पासपोर्ट अब आजकल 1 दिन में बन जाता है, पासपोर्ट पहले बहुत समय लगता था, कम से कम मिनिमम 15 दिन समय लगता था, अब 24 घंटे मैक्सिमम 48 घंटे में तुम्हारा सारा जाएगा, घर बन के आ जाएगा पासपोर्ट, पता है पता है ना इस योजना में क्या है कि जिस बच्चे की अटेंडेंस 50% से कम होती है उसको फाइन लगता है 10,000 रुपए। नहीं बताइए ना, पढ़े होंगे कंडीशन, पढ़े कंडीशन पढ़ लेना, तो देर बाद के समय बेटा बाहर क्यों निकल सकते हैं उसमें टर्म एंड कंडीशन नीचे ना पढ़े होंगे, जो आया था जो उनकी जी का जो फार्मा उसमें नीचे लिखा हुआ टर्म एंड कंडीशन छोटे छोटे में, और उसमें लिखा है कि जिस स्टूडेंट की 50% से कम अटेंडेंस रहेगी पूरे सेशन में 10,000 रुपये का फाइन है उसको, तो इसलिए ब्रेजला रहा हो सच में रेगुलर आओ 10,000 का भैया फाइन है, पहले बिना जाने से बताया नहीं, अब सरकार को बताइए, सरकार को 10,000 रुपये फाइन चाहिए, तो फिर इतनी बड़ी योजना चलाएगी, हम लोग पैसा पीछे देंगे इसे तो देगी ना भाई, सरकार ने तुम लोग फ्री किया है, हमने थोड़ा कहा कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, हम तो पैसा लेंगे ना, मान जाओ पिछले बार का लगभग 2.5-3 करोड़ का अच्छा हुआ है सरकार का, हमारा काम था तुम लोगों को जागरूक करना, बताना है ना गलत किए कुछ बता दिए, तो समुद्र पानी क्या है, 2016 में भारत सरकार ने, 2016 में भारत सरकार ने PIO कार्ड और OCI कार्ड का विलय कर दिया, 2016 में भारत सरकार ने PIO कार्ड और OCI कार्ड का विलय कर दिया, और अब सिर्फ PIO कार्ड ही जारी किया जाता है,
और अब सिर्फ पीआईओ कार्ड ही जारी किया जाता है। पीआईओ कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। पीआईओ कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। पहला पानी है आजीवन भारत में वीजा मुक्त प्रवेश, केवल एक फॉर्म भरना पड़ता है, एमबीसी में देना पड़ता है कि भारत जा रहे हैं, कोई वीजा वीजा के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। आजीवन भारत में वीजा मुक्त प्रवेश। सेकंड पॉइंट लिखे, यदि भारत में प्रवास 180 दिन से कम हो तो प्रवास की सूचना थाने में देने की भी आवश्यकता नहीं। यदि प्रवास 180 दिन से कम हो तो प्रवास की सूचना थाने में देने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी अगर मान लीजिए कोई विदेशी आया भारत वीजा लेकर के आया तो जिस जगह पर वो रह रहा है वहां के नजदीकी थाने में उसको अपनी जाकर के सूचना देनी पड़ेगी कि आप भारत आए हैं, 30 दिन तक हमको भारत में रहना है, या लेकर आया वीजा लेकर के तो अपने नजदीकी थाने में सूचना देगा, है ना। बाकी अच्छा सूचना देने का उद्देश्य ये है टूरिस्ट को प्रोटेक्शन दे, कहीं अगर वो किसी ने उसको जल्द से पकड़ लिया अब वो नहीं लिए हुए है अपने साथ वीजा या पासपोर्ट तो पुलिस Thank you.
पॉइंट का मतलब क्या है कि इन पीआईओ कार्ड धारकों को भारत में वही सुविधाएं मिलेगी जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हम देखते हैं कि अगर आज मैं घूमने जाएंगे तो भारतीय नागरिकों के लिए टिकट 20 रुपए का और विदेशियों के लिए टिकट 500 रुपए का है ना, जिसको पैसे टिकट होते हैं कहीं पर भी आप चले जाइए, आप चले जाइए चंद्रवाओ चले जाइए इस रेशन रोड पेपर में, तो भारतीयों के लिए टिकट है 40 रुपए का और विदेशियों के लिए भी 500 रुपए आएगी। तो अब पता चले कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो 4 पीढ़ियों से अमेरिका में रह रहा, तो फिर ऐसा हो जाएगा भाई और पता चले वो पहुंचा था तो उसको कहने लगे ये विदेशी है, 500 रुपए टिकट काटने जाएगी तो फिर क्या दिखाएगा फिर आयो का जिसके बाद भारतीय मूल का व्यक्ति लैंग्वेज में ही नहीं बताएगा किसी बोलेगा ना तो बोलेगा वो फिर आयो कार्ड दिखाएगा अपना तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे इंडियन सिटीजन को ठीक है होटल वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट लिखे भारत में स्कूल तथा कॉलेजों में, भारत में स्कूल तथा कॉलेजों में इनके लिए सीटें आरक्षित की जाएगी, भारत में भारत के स्कूल तथा कॉलेजों में इनके लिए सीटों का कोटा निर्धारित किया जाएगा, सीटों का कोटा निर्धारित किया जाएगा।
2003 से प्रत्येक वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन समुद्र पार भारतीय नागरिक मंत्रालय 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन समुद्र पार भारतीय नागरिक मंत्रालय द्वारा किया जाता था किंतु 2017 से इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। किंतु 2017 से इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तथा 2017 से इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, परंतु किंतु 2017 से किंतु 2015 से दो साल पहले से ही क्या मैं पहले समझ लिया पहले तो समुद्र पारी भारतीय नागरिक मंत्रालय था वो 2003 से लेकर के और 16 का जो आयोजन है वो उसी ने किया। 16 में क्या आयोजन क्यों नहीं हो पाया समझिएगा, पहले 3 से प्रत्येक वर्ष होता था तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक वर्ष मतलब पंद्रह में सरकार ने कह दिया कि हम प्रत्येक वर्ष नहीं करेंगे, हम 2 साल में आयोजन करेंगे। यदि 15 के बाद आयोजन कब हुआ, 17 में, 16 में नहीं हुआ ना। लेकिन 16 में इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और अब इसका कार्यभार सौंप दिया गया विदेश मंत्रालय से। तो 15 में आयोजन हुआ तो 16 में नहीं हुआ, क्योंकि 15 में तो कह दिया गया अब 2 साल बाद हुआ, तो 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 है ना, इस तरीके से आयोजन हुआ और 16 में इसको संबंध दिया गया। किंतु 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष किया जाना सुनिश्चित किया गया। प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस की प्रमुख घोषणा है, प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा कब की घोषणा है, मेरी बात 2015 में जब मोदी जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए था, फिर हमने सोचा अरे मोदी जी ने पूरा हाईलाइट किया। उससे पहले तो मुझे लगा 2015 से पहले तो हम लोगों ने सुना ही नहीं था कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी होगा। 2015 में मोदी जी ने इसको बड़ा धूमधाम बहुत प्रॉब्लम रख दिया, ऐसा लगा कि ये शुरुआत ही अभी हो रहा है, लेकिन जब फिर इसका बढ़ा गया इसका ध्यान 2015-2020 चला आ रहा है ना, क्योंकि सिंपल तरीके से हो रहा था इसको इन्वाइट किया जाता था। कुछ अब क्या है कि बहुत बढ़िया तरीके से इन्वाइट किया जा रहा, सब पैसे बहुत चीजें से बनती है, कौन कौन पैसा वाला सब तरीके से काट जाता है प्रॉपर, ठीक है, मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप आइए आपको जो सम्मानित किया जाना है इस तरीके से। ओके, तो प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2015 में निम्न घोषणाएं की, प्रवासी भारतीय दिवस 2015 में निम्न घोषणाएं की, पहला पॉइंट ये सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड धारकों की मदद के लिए सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड धारकों की मदद के लिए एक मदद एप्लीकेशन पीआईओ कार्ड धारकों की मदद के लिए एक मदद एप्लीकेशन और वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया। जिसके द्वारा
अप्रवासी भारतीय इसके द्वारा अप्रवासी भारतीय भारत में प्राप्त सुविधाओं इसके द्वारा अप्रवासी इसके द्वारा प्रवासी भारतीय इसके द्वारा प्रवासी भारतीय भारत में प्राप्त सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भारत में प्राप्त सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं एवं भारत में प्रवास के दौरान एवं भारत में प्रवास के दौरान प्रत्येक स्तर पर भारत में प्रवेश के दौरान प्रत्येक स्तर पर उन्हें सहयोग और शिकायत प्रत्येक स्तर पर उन्हें सहयोग और शिकायत निवारण की सुविधा भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय कौशल योजना सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय कौशल योजना आरंभ की जाएगी सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय कौशल योजना आरंभ की जाएगी जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय कौशल योजना आरंभ की जाएगी जिसके अंतर्गत भारत से बाहर जाकर अंतर्गत भारत से बाहर जाकर नौकरी करने वाले इसके द्वारा भारत से बाहर जाकर नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भारत से बाहर जाकर नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए आपके लिए 2015
हमने पढ़ा नहीं आखिरकार क्या है इसमें। सेवा में जिला समाज कल्याण अधिकारी विषय आपकी कक्षाएं संचालित करने के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि सब लोग सुन लो, कि पढ़ना ही साइन कर देना चाहिए ना। विनम्र निवेदन है कि अभ्युदय उस पर चले जाता मुख्यमंत्री अभ्युदय अभ्युदय मुख्यमंत्री सीएम योजना 2022-23 बैच के अंतर्गत इतिहास उन्नीस कक्षाएं शेड्यूल के मुताबिक अभी फिलहाल 2 महीने के लिए बंद कर दी गई हैं। पर छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु जो विभिन्न विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं के लिए सेमिनार स्तर की कक्षा जो कि खाली रहती है की जगह इतिहास विषय की कक्षा संचालित करवाई होगा करें ताकि विद्यार्थी वन डे एग्जाम की परीक्षा देने सिलेबस कवर कर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अब इसमें एक केंद्रीय प्रश्नता है कि महोदया ये कह सकती हैं ये कक्षा को यूपीएससी तो हम क्यों नहीं वन डे एग्जाम हम क्यों हम ताकि विद्यार्थी यानी हमें अपने उन नागरिकों से कनेक्ट होना है
आर्टिकल 5
संविधान के लागू होने समय प्रेरण देगा 26 नवंबर 1949 संविधान के जो इस पहली बार 5, 6, 7, 8 एक तो होना चाहिए भारत नागरिक लेकिन दूसरे को अवैध प्रवासी होना चाहिए।
अभी आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान
ठीक है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले भारत आ गया है तो फिर उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद 6 महीने बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। छोटी छोटी सी फॉर्मेलिटी, कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्म भरेगा भारत में रहेगा और 6 महीने बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत प्रवास करता है तो वह कुछ निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकेगा। तो वह कुछ निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकेगा। तो अगर 19 जुलाई 1947 के पहले डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई भारत आ गया तो बिना फॉर्मेलिटी के भारत बिना किसी भी, अगर 19 जुलाई 1947 के बाद भारत आया तो एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए फॉर्म भरा जाएगा, वही भरवाया जाएगा, 6 महीने का समय दिया जाएगा, 6 महीने बाद भारत आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल सात यदि कोई व्यक्ति 15 अगस्त 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन करता है, तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, पलायन करता है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति पुनः भारत लौटता है, तो वह निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा, यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, या इस प्रावधान के लागू होते समय किसी अन्य देश में या इस प्रावधान के लागू होते समय
किसी अन्य देश में प्रवास कर रहा हो, वैश्य प्रावधान के लागू होते समय किसी अन्य देश में प्रवास कर रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है यदि यदि स्वयं उसका या उसके माता पिता में से तथा दादा दादी में से अथवा दादा दादी में से किसी एक का जन्म माता पिता में से या दादा दादी में से किसी एक का जन्म 1935 के अधिनियम में वर्णित 1935 के अधिनियम में वर्णित भारत में हुआ तथा उसने भारतीय दूतावास में 1935 के अध्ययन में बड़े भारत में हुआ हो तथा उसने भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन दिया ठीक है।